कोरोना वायरस को लेकर आज भले ही शुरुआती दौर वाला माहौल ना रहा हो और लोग इन दिनों बिल्कुल सामान्य जिंदगी बसर कर रहे हों, बावजूद इसके कोरोना ना तो अभी खत्म हुआ है और ना ही सरकार ने कोरोना को लेकर जारी गाइडलाइन में किसी तरह से रियायत बरतने की बात कही है। हाँ, लोगों को आगाह जरूर किया है कि अभी कोरोना की सेकेंड वेव सर्दियों में आने वाली है, जो कि और भी घातक हो सकती है। बावजूद इसके आज भी लोग ना तो कोरोना को लेकर सरकार की गाइडलाइन फॉलो कर रहे हैं और ना ही कोरोना के प्रति कुछ ज्यादा सजगता बरत रहे हैं। हाँ, औपचारिकताओं को जरूर बहन किया जा रहा है। जब कोरोना को लेकर लोगों में सजगता संबंधी रियलिटी चेक की तस्वीरें ली गई तो उसमें बाकी महज औपचारिकताएं ही नजर आई। भीड़भाड़ वाले इलाकों में लोग मास्क तो पहन रहे हैं, मगर वो मास्क या तो औपचारिकता भरे थे, यानी ना तो उनमें प्रॉपर नाक और मुंह को ढक रहे थे, बल्कि ठोड़ी पर ही लटकाकर औपचारिकताएं पूरी की जा रही थी। तो वहीं सोशल डिस्टेंसिंग और हैंड सैनिटाइजिंग तो बहुत ही दूर की कौड़ी साबित हो रही है। ऐसे में जिलाधीश कांगड़ा की ओर से एक बार फिर लोगों को सजग किया गया है कि कोरोना को हल्के में लेने वाले निकट भविष्य में भारी संकट के दौर से गुजर सकते हैं, इसलिए क्योंकि कोरोना ना तो अभी खत्म हुआ है और ना ही इसके खात्मे के लिए कोई उपचार सामने आया है। इसलिए अगर किसी में भी सर्दी, खांसी या बुखार जैसे लक्षण होते हैं तो वे तुरंत अपने नजदीक के CHC अस्पताल में जाकर अपना चेकअप करवा ले और वहां पर कोरोना टेस्ट की सुविधा मुहैया करवाई जा रही है। जिलाधीश राकेश प्रजापति ने कहा कि अगर आप स्वेच्छा से चेकअप करवाएंगे और रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तो आपको आइसोलेट किया जा सकता है, ताकि घर के बाकी सदस्यों और समाज को इस बीमारी से बचाया जा सकेगा, अन्यथा सामुदायिक स्प्रेड के बाद इसे रोक पाना बेहद मुश्किल होगा। वहीं उन्होंने कहा कि युवा वर्ग को इस वक्त खास ख्याल रखने की जरूरत है। प्रजापति ने कहा कि उनका स्वास्थ्य महकमा इस बीमारी को लेकर बेहद मुस्तैद है, तो वहीं पुलिस प्रशासन भी मुस्तैदी से इसका पालन करवा रहा है। 1000 से ज्यादा चालान अभी तक काटे जा चुके हैं, मगर उनका मकसद किसी के चालान काटना या कटवाना नहीं है, बल्कि इस बीमारी से सबको बचाना है। अगर हर कोई इसका पालन करेगा तो वो खुद को और परिवार को और समाज को स्वस्थ रखने में सभी की मदद करेगा। उन्होंने कहा कि कांगड़ा में इस बीमारी से 80 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, तो वहीं पूरे प्रदेश में अभी ये आंकड़ा 500 के करीब पहुँच रहा है, इसलिए सभी को बेहद सजगता बरतने की जरूरत है। देखिए, ये हमको भी पता है, हेल्थ डिपार्टमेंट द्वारा बार बार बताया भी जा रहा है और लोगों को भी पता है कि जो सेकेंड वेव है ठंडियों में आना है। नवंबर के एंड तक और दिसंबर तक जो केसेस हैं बढ़ेंगे, आने वाले समय में लोगों को वही एहतियात रखने पड़ेंगे जो पहले हम रख रहे थे, चाहे वो सोशल डिस्टेंसिंग की बात हो, हाथ सैनिटाइज करने की बात हो, मास्क लगाने की बात हो। ये मिनिमम, बेसिक मिनिमम तीन जो ज़रूरतें हैं हमारी कोविड की लड़ाई में, जो हम जो उसको बढ़ चढ़ कर जिसको हमने हमारे जीवन का हिस्सा बनाया है, अगर इसके साथ हम एहतियात के साथ बढ़ते रहेंगे तो आने वाले समय में हम इससे लड़ सकेंगे। और साथ ही साथ मैं आपके माध्यम से लोगों से ये भी अपील करता हूँ कि जैसे ही सर्दी, खांसी या कोई भी आईएलआई सिम्टम आए तो निकटतम जो हमारा CHC है, जहाँ पर हमारे सेंटर्स में हम सैंपल कलेक्ट कर रहे हैं, अपना सैंपल जरूर दें, ताकि अगर आप पॉजिटिव हैं तो आपको आइसोलेट किया जा सके और आपके परिवार को बचाया जा सके। ऐसे में एहतियात ही सबसे बड़ा इस वक्त हमारे पास, और हमको किसी भी प्रकार की कोई डिलाई करने की ज़रूरत नहीं है। और हेल्थ डिपार्टमेंट पूरी तरह से मुस्तैद है और हमारे जो जोनल हॉस्पिटल और हमारे टांडा हॉस्पिटल की जो तैयारियाँ हैं वो पूरी हैं और हम दिसंबर के लिए, सेकेंड वेव के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। देखिए, पीछे हमने काफ़ी इसके लिए चालान वगैरह किया था, पिछले 1-2 महीनों में लगभग 1000 से ऊपर हमने चालान किए हैं। लेकिन मैं बार बार आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँ, क्योंकि आपके अपने खुद के हेल्थ के लिए है और जहाँ भी जिससे भी चूक हो रही है, लोग पॉजिटिव हो रहे हैं और डेथ्स भी बढ़ रही हैं। अब जैसे आज के टाइम समय में जिला कांगड़ा में लगभग 80 डेथ्स हो चुकी हैं, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है। ऐसे में लोगों को, खास करके जो युवा वर्ग के लोग हैं जो बाहर निकल रहे हैं, उनको एहतियात रखना चाहिए। जैसे हमारे ऑफिसेज में बहुत पब्लिक डीलिंग होती है, वहाँ पर हमारे कर्मचारियों को भी एहतियात रखना चाहिए। हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हमारे घर में जो बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, हमारी वजह से ना सफ़र करें। ऐसे में हमारी अपनी भी जिम्मेदारी है और साथ ही साथ क्योंकि डेथ्स के नंबर्स अब बढ़ रहे हैं और इन जनरल हिमाचल में थोड़े नंबर्स हाई हैं, तो इसीलिए हम लोगों को और हमारे पूरे जितने भी समाज में लोग हैं, इसका ध्यान रखना पड़ेगा और जो एहतियात की बातें मैंने बताई उसको अपने जीवन में अपनाना पड़ेगा।